तो हमें भी सब लोग आने के बाद हम लोगों को भी मालूम पड़ा कि हमारे समाज में इतने प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं। ये जो युवा सम्मेलन की सोच आई थी उस समय हमने भी नहीं सोचा था कि हमारे वहाँ ऐसी प्रतिभाएं हैं। नीतिमत्ता को छोड़ के कोई कभी काम नहीं करता, तो ये हमारे सम्मेलन की सबसे बड़ी सोच है। ये सब जो सम्मेलन ऐसे होंगे ना, तो उसमें जब बच्चे अपनी ग्रोथ बताते और अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हैं तो बच्चे को डिप्रेशन की बजाय वो पॉजिटिवनेस में आ जाते हैं। मैथ्स जो एक सपना था, आज विगत कई वर्षों से हम सोच रहे थे युवाओं को जोड़ने का, एक मुख्य धारा में बांधने का, वो एक हमको लगता है कि सक्सेस हुआ। आगे इस प्रकार से समाज से टूटते हैं वो जुड़ेंगे तो 10 सालों में समाज बहुत प्रगति करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज नाथद्वारा में पारिक समाज का एक बड़ा आयोजन हुआ है। पूरे देश भर की समाज की प्रबुद्ध जन, महिलाएं, प्रतिभावान छात्र यहां पर एकत्रित हुए हैं और समाज के उत्थान को लेकर चर्चा की जा रही है। खास तौर से ये एक निमित्त जो आयोजन है वो सिर्फ प्रतिभावान प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करने का है, लेकिन जैसे ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो शुरू से अब तक इस पर जो चिंतन मनन मंथन हुआ है वो यूँ लग रहा है कि हर कोई इससे सुनना चाहता है, देखना चाहता है, उस पर डिस्कशन करना चाहता है और चर्चा करना चाहता है कि वास्तव में समाज को एकजुट होना पड़ेगा, वास्तव में समाज को एक होना पड़ेगा। हमारे साथ में कुछ ऐसे ही गेस्ट हैं, समाज के प्रबुद्ध जन हैं, समाज को लेकर आज जो चिंतन मनन मंथन हो रहा है। पहले तो ये सबसे पहले एक पहल की गई है समाज की, उसको लेकर बताएं और फिर ये कहाँ तक जरूरत है इसके लिए आगे और क्या प्रयास किए जाने चाहिए। इस तरह का जो सम्मेलन है ये पहला प्रयास है कि ये पहला सम्मेलन है और सम्मेलन में सबसे बड़ी बात है कि इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो सब युवा जो है उनको सबको साथ लाना है और इस प्रयास में पूरे भारत भर से यहाँ आज लोग आए, कुछ विदेश से भी लोग आए, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए और उन्होंने सबने उनके खुद के एक्सपीरियंस शेयर किए। तो हमें भी सब लोग आने के बाद हम लोगों को भी मालूम पड़ा कि हमारे समाज में इतने प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं और इतने बड़े बड़े उन्होंने काम किए। तो मैं सबसे पहले हमारे समाज के जो अध्यक्ष महोदय उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सबको इनको सबको इंटीग्रेट किया और सबको जो एक साथ में लाया और ये हमारे समाज के उत्थान के लिए अच्छा काम है, क्योंकि जो वणिक समाज जो है वो सबसे बिजनेस कम्युनिटी में गिना जाता है और बिजनेस कम्युनिटी में गिनते हुए भी जो बिजनेस जो इथिक्स से बिजनेस करने वाले लोग हम लोग हैं, तो इथिक्स से बिजनेस करना है तो ये अभी हमारा जो आने वाला समाज है, जो युवा पीढ़ी है उसको जो जो फील्ड में जाएंगे वो इथिक्स को छोड़ के कुछ काम नहीं करेंगे। हमारे सबको सब लोगों को ये सम्मेलन से हमको एक सीख मिलने वाली। आज दिन भर का निचोड़ क्या रहा, शॉर्ट आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि मुख्य रूप से ये जो चर्चाएँ हुई वास्तव में हर व्यक्ति के लिए एक उसको अपनाने की ज़रूरत है। ये पॉइंट हर व्यक्ति के लिए, हर अभिभावक के लिए, हर छात्र के लिए, हर समाज के व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये आज के सम्मेलन में अगर बाहर के कोई समाज का भी अगर आदमी अगर देखता था, अगर मिलता था, उसको भी ये समाज से प्रेरणा मिलती है कि जो हमारा जो वणिक समाज है वो जिसको कहते हैं कोई भी फील्ड में जाइए वो ग्राउंड टू अर्थ काम करता है, वो कभी भी अपने नीतिमत्ता को छोड़ के कोई कभी काम नहीं करता। तो ये हमारे सम्मेलन की सबसे बड़ी सीख है कि भाई सबसे बड़ा काम है कि जो डिफिकल्ट चीज़ है कि अच्छा आदमी ये समाज में बनना है, तो ये अच्छा आदमी बनने के लिए आज के समाज में ये सबसे बड़ी पहल। आज वणिक समाज जो पूरे भारत देश भर में है तो लगभग 18 से 19 हज़ार लोग हमारे वणिक समाज में हैं, तो आज कुछ वजह से कुछ लोग नहीं आ सके तो उन्होंने भी एक आज का प्रोग्राम लाइव देखा है और लाइव देखा इसका मतलब है उस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ तो लेने सरीका है, इसलिए तो उन्होंने लाइव देखा। इसका हम उसको सक्सेस समझते हैं कि आज का सम्मेलन जो है तो बहुत सक्सेस हुआ। ये जो है पहल जो थी मुख्य रूप से नाथद्वारा में ये आयोजन हुआ, इसमें पूरे देश भर के लोग शामिल हुए, समाज जन शामिल हुए, उस पर चिंतन हुआ, मंथन हुआ, मनन हुआ, कैसा लगा? ये जो युवा सम्मेलन की सोच आई थी उस समय हमने भी नहीं सोचा था कि हमारे वहाँ ऐसी प्रतिभाएं हैं, क्या इतनी छुपी हुई और इतने वर्ल्ड लेवल पे काम करने वाली प्रतिभाएं हैं, तो उनको जब एक मंच पे लाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा मेरे हिसाब से फायदा है
कि इनको जो मोटिवेशन और इनके साथ जो मोटिवेशन दूसरे लोगों को मिलेगा, दूसरे परिवार को, आज पूरे समाज के लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा और सबकी सोच बदलेगी। कि जो एक छोटी सोच रहता है कि अपन को सिर्फ इंजीनियरिंग बनाना लगता, तो उसके आगे भी दुनिया बहुत बड़ी है। अभी उस तरह की कोई ने सोच पहले क्या, अभी बिजनेस कम्युनिटी जैसे सर ने बोला, तो बिजनेस कम्युनिटी वाला अपनी एक लिमिट तक रहता था, पर अब हर फील्ड में इतना वो हो गया है कि उसकी डेप्थ मतलब इसका है, मतलब एक तरह से हर फील्ड में इसका है, चाहे गेम खेल लो आप, चाहे अनंत है। अब वो उसके लिए तो उसका ये जो प्रयास हमारा है कि हम उसको ये मान ले कि हमारा ये सक्सेस हो गया, हम प्रयास कि हमने जो सोचा था वो उम्मीद से दुगना सक्सेस है। मैंने जो आज तक जितने भी समारोह देखे हैं, मुख्य रूप से प्रतिभा सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान का मतलब जो उस प्रतिभा ने किया है उसको ले मंच पे बुलाते हैं, उसको सम्मानित कर दिया, खत्म। लेकिन आज उस हर प्रतिभा के ऊपर डिस्कशन हुआ, ये एक बहुत बड़ी ये जो आइडिया था, हाँ। ये आइडिया था हमारा अशोक भाई का, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट चलाते और ये बच्चों के साथ इनका इतना इंट्रेक्शन है, तो उनको मालूम था कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करना और कैसे लेना, ये मतलब जो सोच आई। अभी हम कभी मीटिंग में बैठो तो ये ऐसा बोले तो वो किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। आज उनने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया, हम उनको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि ये प्रैक्टिकल जब तक हुआ, प्रैक्टिकल में आज जो आपने बोला कि 1400 लोग हैं, देखिए हमारे यहाँ पे 2000 परिवार है, उसमें से 1400 परिवार ने देख लिया, ये समझ लीजिए। अब 1400 परिवार में ये मैसेज चलेगी हमारा कि भी फील्ड में बच्चों को कैसे प्रोत्साहन देना, ऐसा संघर्ष करता है बच्चा तो उसको कब कैसे मोटिवेट करना, कभी डिप्रेशन में आता है तो उसको उसको कैसे बाहर निकालना। आप अभी रोज देख रहे हैं कि कोटा में IIT के प्रेशर में उसने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, ये सब जो सम्मेलन ऐसे होंगे ना, तो उसमें लोग जब बच्चे अपनी ग्रोथ बताते और अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हैं तो बच्चे को डिप्रेशन की बजाय वो पॉजिटिवनेस में आ जाता है और वो उस फील्ड से मतलब फिर घबराता नहीं है कि भाई ऐसा होता है, प्लस भी होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। सक्सेस किसी के को आज नहीं मानूं कि मैं 5 साल बाद किस लेवल पे पहुंचूंगा, पर उसको आज मेहनत करनी है और उसको मेहनत करने में आज उसको सपोर्ट उसके माता पिता, उसके फ्रेंड सर्कल, उसके सोसाइटी, वो जो भी देगी तो ही वो आगे बढ़ेगा। यदि उसको कह दे कि तू तो गलत काम कर रहा है, तेरे को ये, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा एक भाई है, उसने अभी गेम में टॉप किया, वर्ल्ड लेवल पे सेकंड आया। अभी कोई बोले कि मोबाइल पे गेम खेले तो आप एक मिनट में बंद करा देंगे, तो वो भी एक लेवल आ गया। आज क्रिकेट का लेवल है, वो टैलेंट है, वो उसको प्राइज मनी भी उतना बड़ा मिला कि हमको भी आश्चर्य। तो ये सब कि डेप्थ का सोचने के लिए सोसाइटी का फर्ज है कि वो बच्चों को एक फ्यूचर का पिक्चर दिखाए कि भाई फ्यूचर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि आपके लिए अनंत है। हर काम में कोई भी छोटा का काम नहीं है, आप किसी भी फील्ड में जाए, आज आपका फील्ड भी है, आपका फील्ड भी बहुत मतलब वर्ल्ड लेवल का है, उसमें आपके वर्ल्ड लेवल तक जा सकते हैं। जैसे इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वो विजन में जावे, वो कोई छोटी सोच नहीं, उनको सिर्फ इंस्पायर करना, उनकी फैमिली को समझाना। आज यूँ लगा कि केवल बच्चे या युवा ही इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, इसी वर्कशॉप से, इस सम्मान समारोह से अभिभावक भी कहीं की प्रेरित हुए हैं, क्या लगता है? माता पिता भी ज़्यादा प्रेरित हुए, तभी 1400 लाइक आपकी YouTube पे मिले। जो देखने वाले थे अधिकतर उनके माता पिता थे जो किसी कारणवश नहीं आए। एक प्रयास जो एक सपना था आज विगत कई वर्षों से हम सोच रहे थे युवाओं को जोड़ने का, एक मुख्य धारा में बांधने का, वो एक हमको लगता है कि सक्सेस हुआ और आगे भविष्य में हर 2-3 साल के अंदर ऐसा प्रयास हम सतत करते रहेंगे और छोटे छोटे सेमिनार युवाओं को जोड़ने के लिए करते रहेंगे। हमारे साथ में अशोक जी पारिक है, सबसे मैंने चर्चा की है मुख्य रूप से। वास्तव में आपने जो एक ये कार्यक्रम की व्यू रचना जो प्लानिंग की अध्यक्ष महोदय और सभी प्रबुद्ध जनों के सानिध्य में, लेकिन सिर्फ सम्मान नहीं रहा, ये एक डिस्कशन का जो एक था ना, हर एक व्यक्ति के मतलब दिल को छूने वाला जो उदाहरण रहा, ये कैसे ऐसा आपने? देखिए मेरे जहन में हर समय इस तरीके की बात आती थी और पिछले करीब 5 सालों से मैं ये सोचता था कि हमारे समाज का जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल समाज से कटा हुआ है और उसको जोड़ने के लिए हमारे पास ऐसा कोई ट्रिक नहीं थी कि उससे हम उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, उसको बताएं कि समाज के प्रति आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सबको सोचते हुए जब मैंने अपना प्रपोजल हमारे प्रमोद भाई को उनको दिया था, तो पहले तो हमें भी लगता था कि क्या होगा और कैसे होगा, किंतु
मैं डेट श्योर था कि इसमें अच्छा रिस्पांस आएगा। पिछले एक डेढ़ महीने पहले तक सिर्फ 50-60 फॉर्म ही आए थे हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा था कि पता नहीं ये मैंने सही सोचा, सही प्लानिंग की या गलत प्लानिंग की ऐसा सोचा। तो फिर जैसे ही लोगों को हमने बताना शुरू किया कि हमारा उद्देश्य ये है कि आपके मतलब हमारे बच्चों को हमें इस प्लेटफॉर्म पर जब हम सम्मानित करेंगे तो वो उसे एक इंक्रीज होगा। वो जब इस प्रकार की बातें हम लोगों ने जब कही तो 225 करीब फॉर्म आ गए। अब हमें ये दिमाग में था कि हम 225 लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर उनके साथ में बात करें ताकि जो 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 हमारा सेमिनार है वो अट्रैक्टिव हो जाए। वो इसके अट्रैक्टिव होने के पीछे केवल एक ही व्यवस्था थी कि लोग स्पीच सुनना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भाषण सुनना पसंद नहीं करते। तो मेरे दिमाग में हमेशा हम लोग जब मैनेजमेंट में और इसमें बैठते हैं तो हमें लगता है कि भाई स्पीच कैसे, मतलब किस तरह बात, तो ये सीखा था हमने। उस सीख से आज उसको मैंने अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। कैसे इम्प्लीमेंट किया कि भाई एक अचीवर है, उसको हमने स्टूडेंट का नाम दिया अचीवर। उसने भले कोई भी छोटा सा भी अचीवमेंट लिया पर लिया है, उसको हमने समाज के साथ में जोड़ा है। आज उसको जब ये लगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा रूप से सम्मानित किया जा रहा है तो उसने अपने आप को एक हमारे साथ में जोड़ लिया। ऐसा मेरा सोचना है कि आने वाले समय में इस प्रकार के अगर हम लोग करेंगे तो जो समाज टूट रहा है, जो युवा वर्ग है वो समाज से टूटते जा रहे हैं, वो टूटने के बजाय अब जुड़ने लगेंगे। और भले एक पारिक समाज ही नहीं, ये दूसरे समाज भी अगर करते हैं तो इस प्रकार से समाज से टूटते हैं वो जुड़ेंगे तो 10 सालों में समाज बहुत प्रगति करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने वास्तव में देखा कि ये समारोह जो था प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह था, लेकिन एक हार्ट को दिल को छू लेने वाला था। हर व्यक्ति यहाँ इस पंडाल में, जो छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर शख्स शांति से सुन रहा था और हर जो सवाल कर रहे थे, जो खास तौर से मैं थोड़ी देर ही रहा, लेकिन इसमें जो मोटिवेशनल स्पीक जो थी, सवाल जवाब करना, संवाद करना, चर्चा करनी, उसमें कुछ बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हर एक के मन में थी जिज्ञासा एक छुपी हुई थी। कोई बोल नहीं पा रहा था भले ही, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके चेहरे पर बरबस ही झलक रही थी। और इसी से लगता है कि ये जो पहला आयोजन था, पहली पहल थी, निश्चित तौर पर समाज में बड़ा बदलाव लाएगी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।